का संवत्सर है, शक संवत 1941 है, सूर्य समय उत्तरायण के अंदर है, शिशिर ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 19 है और जमादि उल्सानी माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है, षष्ठी तिथि रात्रि में 6:21 तक है, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी, नक्षत्र चित्रा दिन में 7:28 तक है, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, योग गण दिन में 4:50 तक, उसके उपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा, करण ग्रह है आज दिन में 7:34 तक, उसके उपरांत वर्णिज करण आरंभ हो जाएगा, सूर्योदय जयपुर के अंदर 7:08 पर और सूर्यास्त 6:13 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचरण देखें तो सूर्य बुध कुंभ राशि के अंदर, मंगल बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर, शुक्र मीन राशि के अंदर, शनि मकर राशि के अंदर, राहु मिथुन राशि के अंदर और चंद्रमा तुला राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों की बात करें तो भद्रा रात्रि में 6:21 से रात्रि में 5:26 तक है। प्रत्यौहार की बात करते हैं तो सेंट वैलेंटाइन डे आज के दिन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर लाभ अमृता चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 11:18 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:41 से 2:04 तक है। चर का चौघड़िया 4:50 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12:00 तक है। राहु काल वेला में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा करना आज आवश्यक हो और टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व खीर या चावल से बने खाने का आप सेवन करके आप यात्रा करेंगे तो दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध कुंभ राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि जब सूर्य कुंभ राशि के अंदर होते हैं तो एक पूरी ऊर्जा के साथ कार्यों को करने की स्थिति बनती है। बुध भी यहीं पर बहुत दिनों से बने हुए हैं तो बुध और सूर्य का साथ बहुत दिनों से जो अलग थे, जो एक किसी भी प्रेम संबंधों में, व्यापार में, कार्यस्थल पर या कहीं भी एक डायलॉग जो खत्म हो गया था, एक जो बातचीत खत्म हो गई थी, दो विचारधाराओं के बीच जो बात नहीं हो रही थी, उस बात को होने के दिन के तौर पर भी आज आप देख सकते हैं। आप उन दो लोगों के बीच जो स्नेह संबंध या सहज संबंधों के अंदर चल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों वार्तालाप किन्हीं भी कारणों से, कोई मनमुटाव या मतभेद की वजह से अगर वार्तालाप बंद हो गई थी, तो यहाँ ये जो बुध और सूर्य के कारण अलग होने के कारण, यानी कि बुध अपनी अगली राशि में चले गए थे, सूर्य मकर राशि के अंदर थे, तो ये ऐसी स्थिति का जन्म होता है जब ये दोनों ग्रह अलग हो जाते हैं। अब ये साथ हैं तो इसके अंदर जो भी लोग डायलॉग या तनाव या प्रेम या व्यवसाय या साझेदारों से या घर में, परिवार में, बच्चों से अगर कहीं बातचीत के अंदर कुछ गैप था तो वो गैप अब खत्म होने की स्थिति के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण तौर पर भावनात्मक संबंध, अगर आपका साथी आपसे दूरी बना चुका था तो आज आप बात कर सकते हैं, वो एक अच्छी स्थिति, अच्छा आपको उन संबंधों के अंदर एक भावनात्मक बातचीत आपकी हो सकेगी। इसके अलावा हम बात करें कि चंद्रमा आज तुला राशि के अंदर, तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, शुक्र खुद अपनी उच्च राशि के अंदर चल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक ही तरह से अपनी प्रकृति को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। शुक्र अपनी उच्चता के साथ और चंद्रमा शुक्र के राशि में होने के कारण तो एक ऐसी स्थिति बन रही है मित्रों, जिसके अंदर अगर आप देखें तो भावनात्मक ऊर्जा है, एक और आप अपने कार्यों को करने के लिए जो मन के अंदर संकल्प आप करेंगे वो मौजूद है, तो ये बहुत बेहतर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां की शुक्र बृहस्पति की राशि में, वहां ही बृहस्पति जो है वो स्व राशि के अंदर है, यानी कि आपको कार्य करने के लिए बौद्धिक कौशल, तकनीकी कौशल, भावनात्मक जो एकाग्रता और उसके साथ साथ सूर्य की ऊर्जा जो बुध के साथ बैठ करके शनि के घर के अंदर बैठ करके वो दे रहे हैं, तो इस सब के सब प्रकृति के अंदर आज वो स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसके अंदर अगर कोई कार्य किया जाता है, किसी कार्य की नींव रखी जाती है, कोई चीज़ आगे बढ़ती है,
कोई भी बात अगर किसी भावनात्मक संबंध, व्यापार संबंध, कोई एग्जाम या कोई आप कहना चाहिए राजनीतिक कोई अगर तनाव है तो उसको दूर करने के लिए, पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए, ऑफिस में अगर कोई आपस में कोई बातचीत में ऐसी स्थिति आ गई जहां दो गुट बन गए हैं और वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कोई रुकावट आ गई, तो उन सबको ठीक करने का आज बेहतरीन दिन है। आज इस पॉजिटिव ऊर्जा को आप काम में लेकर के अपनी चीज़ों को बेहतर उपयोग करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल, बृहस्पति और केतु, ये तीनों ग्रह भी साथ हैं। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई नकारात्मकता, कोई बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक, कोई कूटनीतिक पूर्वक आपको अगर कोई तनाव आने की स्थिति है, उसके भी हल आज निकल सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं हमें भेज सकते हैं। हम इन इस प्रोग्राम के अंदर आपके समस्याओं और जिज्ञासाओं के जवाब देंगे।